तेल संघर्ष की वजह से खाद्य तेलों के दाम में वृद्धि होने की आशंका है, क्योंकि दोनों रिफाइंड सूरजमुखी के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। इससे जुड़े लोगों का कहना है कि युद्ध लंबा चला तो सूरजमुखी तेल की किल्लत हो सकती है। इस बीच अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की ओर से आयोजित एक वेबिनार में बताया कि अपना देश खाद्य तेलों के मामले में कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है, कैसे किसानों, सरकार और उपभोक्ताओं सभी को राहत मिल सकती है। संगठन ने आयोजकों से अपील की कि वो खाद्य तेल को खरीद कीमत से थोड़े ही मुनाफे में बेचे, ताकि देश के आम नागरिकों को राहत मिल सके। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कि मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बल देने की आवश्यकता जताई है। पिछले कई वर्षों से देश खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है। कुल खपत का लगभग 65% खाने का तेल आयात करना पड़ता है, जिससे देश के राजस्व का बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। जो पैसा भारतीय किसानों के पास आना चाहिए वह दूसरे देशों के पास चला जाता है। जिन देशों से खाद्य तेल आयात किया जाता है उन देशों में होने वाली गतिविधियों के मुताबिक दामों में बदलाव होते हैं, जिससे लगातार दाम ऊपर नीचे होते हैं। इसे देखते हुए सरकार तिलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में जुट गई है। वहीं ठक्कर ने बताया कि उन्होंने देश को खाद्य तेलों को लेकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े हुए तेलों के दाम पर अंकुश लगाने के लिए देसी तिलहन के उत्पादन पर सरकार को ध्यान देने की बात कही है। इसकी वजह से बताते हुए कहा, पिछले 25 वर्षों से कुछ उद्योगों द्वारा पामोलियन तेल की खेती बढ़ाने पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। वहीं पामोलियन के बड़े पेड़ लगाने के बाद 6 साल बाद फल आते हैं, इसलिए इतना लंबा समय उत्पादन में जाएगा और इसके बाद कितनी सफलता मिलेगी ये भी एक प्रश्न है। साल में 2 बार जिन देशी तिलहन की फसल ली जा सकती है और स्वास्थ्यधर्वक भी होते हैं, ऐसे में तिलहन के उत्पादन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।